डर गए हम लोग, सब बैठे हुए, लकी भी आ गया, लकी को भी एक घंटा हो गया आए हुए, और बहादुर भी आ गया, सब लोग जगह पड़े पूरे घर में। गुड मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग भम्मू की तरफ से, भम्मू की दुनिया की तरफ से। और अभी बजे हुए हैं 6 और हम जगे हुए हैं 4 बजे से, क्योंकि 4 बजे से आज ऑस्कर की होगी बहुत ज्यादा तबीयत खराब। ऑस्कर ऐसे है जैसे अभी कर रहा है ना, अब तो बहुत कम कर रहा है, एक ही से सिट्रा दिन दिया, डॉक्टर से बात करी है, और इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होगी, ऊपर आ गया। मैंने सोचा ये घूम कर आया इसलिए हाँफ रहा, लेकिन नहीं, सोता सोता ऐसे कर रहा। और ये सीरो, ये साथ में इसकी चिनोली बिस्किट सब खा रहा, डॉक्टर तक के भी गया। अभी हम डॉक्टर गए ना तो साथ में गया, पड़ोसी के उनसे लड़का आया पागल, हमारा बाबू ये रहा, बहुत ही अच्छा है बाबू बहुत था, राजा बेटा, अभी वो खाएगा बर्फी खा लेगा। और सब बैठे हुए, लकी भी आ गया, लकी को भी एक घंटा हो गया आए हुए। और ये सुबह कितने, 3 बजे आए हो ना, तो 1 बजे, 1 बजे आए, और 1 बजे के बाद फिर 4 बजे इनने जगा दिया, 1:30 बजे सोए। तो सब लोग घर में जगे हुए बैठे हैं। ये देखो अजय ऑफिस से बुला लिया, छोटू भी 4 बजे से ही जग रहा, छोटू, और बहादुर भी आ गया, सब लोग जगे पड़े पूरे घर में, जग जगह हुआ पड़ा। बाबू की वजह से हालत भी सबकी खराब होगी बहुत बुरी। डर गए हम लोग, इससे ऐसा क्या हो गया जो इतनी बुरी तरह से हांफ रहा है, क्योंकि इसका अभी भी आवाज बहुत तेज निकल रही है। तो अब ऑस्कर को बिल्कुल आराम पड़ गया, मेरे बाबू को देखो एकदम से ठीक हो गया। अब तो सिट्राजिन खा के बाबू हमारा दिखाएंगे इसे। रिकी भी वहां पे बहुत टेंशन में, रिकी बहुत टेंशन में, बाबू रिकी बहुत टेंशन में आ गया। तूने सबको टेंशन दे दी है आज की, देखो भाई पड़ गया ना आराम। हेलो रिकी, हेलो, हां बाबू बिल्कुल ठीक है, ये देख अब वैसे करिए। अरे ये रहा ना मम्मी, हां दे ये बैठा, अब तो हाफने बंद है, देख हाफना बंद हो गया। इसका चेहरा बड़ा आगे का चेहरा हो इसे तो दिख थोड़ी रहा है, दिखना ना लेकिन दिख रहा है भाई, उसे दिख रहा, पर इसे बोलना दिख रहा, उसे रिकी गुप्ता से दिखा दे बड़ा करके। चलो पार्किंग में, पार्किंग ये ले, तैयार हो गया है, चलो चलो आ जाओ, मैं जा रहा हूँ, चलो आ जाओ, मम्मी आओ उठना, ये ले खुजू को देख, खुजू को देखिए, अब तो ठीक है बिल्कुल, अब तो हाथ नाथ बंद हो गया, इसे सिटवा, अब भी 6:15 है देखिए, और हम 4 बजे से जगह बैठे हैं। अब सो रहा, अब तो ये बिल्कुल आराम बैठ गया, अब ना हाँफ रहा। अब तो तूने भी देख लिया, अबे अब तो तूने देख लिया होगा, सीरो को तुझे बड़ा दिखा दिया मैंने, देख हाँ देख तो रहा है, दे दे, और ये कैसे देख रहा है, देख सीरो कैसे बैठ, देख कर वीडियो कॉल बात बाबू से, कर बात बाबू जाएगा पार्क में चलो बैडमिंटन खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, बाबू बैडमिंटन खेलेंगे, टेलीफोन में जाके, टेलीफोन में बैडमिंटन, हाँ हाँ चल ठीक है, देखिए अब तो सही है ना बाबू। तो ये रहा बाबू, ये लकी की पेट पे लेटा, और तेरे को देख भी रहा बाबू की बात चली ना, तो बाबू एकदम देख रहा, बाबू एकदम ठीक है, बाबू ने डरा दिए। और हम 4 बजे से 3:30 बजे से मतलब बैठे सब लोग, और ये तो 1:30 बजे सोए आके तब भी बैठे हैं, बाबू ने आज इतना डराया सब है, ये बस सबकी छींक दिया, सैनिटाइज करता है, हालत खराब हो गई, अब बाबू अच्छा है तो अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है बाबू, अब अच्छा लगा ना बाबू। और अब मैंने बोला कि बहादुर से चाय लिया, क्योंकि अब तो क्या ही सोना, अब तो नींद नहीं आएगी, चाय वाय पी के फिर नहावा मैं, चलो पापा को छोड़ना, अब हम चले गाड़ी तक छोड़ने के लिए, क्योंकि इनको तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला, आ रहे हैं जा रहे हैं, ये देखो, और घर हमारा सजा हुआ भी है, हमने पूरी डेकोरेशन करी, पर इन्हें भी देखने का टाइम नहीं मिला, हैं कहाँ देख पाए, अच्छा लग रहा है ना, अभी तो हम लगे हुए हैं। सीरो चलो पापा छोड़ रही है जाना, सीरो अगर सीरो को ना लेंगे ना, सीरो गुस्सा हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा सजा हुआ घर कितना प्यारा, चलो चल दिए चल ठीक है बाय। सीरो जा रहे हैं पापा, जा रहे हैं, और मैं ये रही, अब थोड़ा देर सीरो को घुमा दूंगी,
और हमारी कायली कैप्टन हाची ये सब बैठे। कायली आओ इधर आओ, कैप्टन आ जा, कैप्टन कैप्टन आएगा। सीरो यार लड़ने के लिए घूम रहा है और सब जगह हुए हैं। अब घर देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर। और रात में जब लाइटिंग जलेगी ना, ओहो क्या अच्छा लगता है, बढ़िया मस्त एकदम। ये मैं अब तैयार होती हूँ और जल्दी से निकलती हूँ कहीं, फिर जाना है आज मुझे। ये है चने, काबली चने, रात को मैंने भिगो के बॉईल कर लिए। अब इसका मैं बनाती हूँ अपने लिए सैलेड। इसमें जाएगा थोड़ा सा पनीर और ये सारी वेजिटेबल, टमाटर, प्याज, इतनी सारी वेजिटेबल। तो ये बहुत ही हेल्दी रहता है। अभी मेरे को जाना है मॉल आज, और गिफ्ट लेके आने हैं। और ये थोड़ी सी पीनट अभी मैं इसे पीस के और दो लेती हूँ, दो तीन इसमें हरी मिर्च जाएगी, थोड़ी सी दही जाएगी और मैंने थोड़ा सा काला नमक भी जाएगा। ये बन गया रेडी हो गया मेरा सैलेड। और ये इसमें है कुछ पनीर, आराम से पनीर, पनीर फ्राई पनीर। तो ये हो गया मेरा सैलेड रेडी, इसे मैं रख के ले जाऊंगी घर पास। और मैं जा रही हूँ, लखन मेरे को बुला रहा है, कोई वहाँ पे आई नहीं घर पर, तो मैं जा रही हूँ लखन के पास में। ये है हमारा सैलेड जो अभी बना है और मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी। गुड मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, भम्मू की तरफ से, भम्मू की दुनिया की तरफ से। मैंने पहन लिया आज ये टॉप पहना, काफ़ी पुराना लेकिन ऐसी पहन लिया मन करा। तो अभी मैं जा रही हूँ लखन से मिलना, वहाँ पे कोई आए हुए हैं। लखन का फ़ोन आया कि जल्दी से आ जाओ मम्मी, कोई आए हुए हैं गेस्ट आए, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। और मैं कैसी लग रही, कॉमेंट करके बताना। चलिए तो हम चलते हैं वही दिवाली की शॉपिंग करने। अच्छा एक ही बार में लिस्ट नहीं बता रही है, आज ये लियाना, कल ये लियाना, कल ये लियाना। क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब चल रही है, मेरे को लग रहा है कि फीवर हो रहा है। कम से कम मेरे को 10 दिन तो दवाई खाते खाते हो गए। कभी भी जब लगता है थोड़ी तबीयत खराब होगी तभी दवाई ले लेती हूँ। देखो हमारा फुल देख के आप टॉप समझ गए होंगे, मैंने बुलन पहना हुआ है। और बस क्या ही बताऊँ, चलो ये लिया मैंने बैग, ये गिफ्ट के लिए है, बहुत ही प्यारा सा। इसमें कम से कम एक या दो जोड़ी कपड़े भी कैरी कर सकते हैं कहीं चलना हो इस तरह से। कैसा लग रहा है कॉमर्स करके बता दूँ। एक और एक ये है गिफ्ट, ये कैसा लग रहा है। ये कलर तो मेरे को बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। वॉकिंग भी शुरू करते मैं और मेरी वाइफ। अच्छा। हम लोग देखते हैं और उस दिन तो अंकल भी दिखे थे पीछे गाड़ी में थे। अंकल भी दिख जाते और मैंने पता किसको फोन कर दिया, अजय भैया को। अच्छा। और रात का टाइम था और वो पीछे वाली गाड़ी में थे। हाँ हाँ। तो मैंने जब फोन किया उनको तो आई कॉल्ड देम, वो अजय भैया ने फोन उठाया रात के टाइम। हाँ। कहते की मैंने कहा अंकल नमस्ते, कहते मैं अजय बोल रहे हैं, कैसे हो आप, कहते ठीक है आओ आप कभी सुन। मैंने एल्गो से शूज का रेड कलर का बैग, क्योंकि सिटी पार्टी वगैरह में या कुछ ऐसे जाओगे तो छोटा सा कैरी करने के लिए बहुत ही प्यारा लग रहा है रेड कलर का। तो ये देखिए, ये मैंने गुची से करी है आज शॉपिंग, दो दो बैग लिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ। अच्छा बिलिंग मैंने पहले करा दी थी, फिर मैं चली गई दूसरी शॉप पर, अब मैंने कलेक्ट करने आई हूँ। तो मैंने ये ले लिए हैं, अब हम निकल रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक मिलने वाला है बहुत। और तो दिल्ली से यहाँ से पहुँचने में 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे बाद भी मेरे को मेरा काफ़ी काम है। तो ये रहे हमारे गुची की शॉपिंग बैग आज। गाड़ी है खड़ी तो मैं अब गाड़ी में जा रही हूँ, चेंज हो रही हूँ, मैं विकी के साथ जा रही हूँ घर पे, घर पे मिलते हैं। चलो ये देखो
ये हमारी शॉपिंग है, यही शॉपिंग करने गए हैं, थोड़ा देर निकल गया। आशीर्वाद आ जा बेटा, पूरा दिन खराब हो, कहीं भी जाओ ना, थोड़ा सा भी चले जाओ तो पूरा पूरा दिन एकदम खराब हो जाएगा। मैं थक गई, तो मैं जा रही हूँ। मैंने लिया है हेयर ऑयल, ये मैं करा के आ रही हूँ अपनी हेड मसाज, क्योंकि मेरे ऐसे ही लग रहा है। आज क्या मौसम हुआ, तबीयत खराब कर, मैं तो जब से आई हूँ मॉल से आई हूँ डी एल एफ से, तब से मेरे पास लग रहा है। थोड़ी देर में लेट गई कम्बल ओढ़ कर, और उसके बाद फिर मेरे को ऐसे ठंड ठंड से अजीब अजीब सा लग रहा है। अभी जा रही हूँ, मेरा हेड मसाज करा रहा हूँ, सर में पूरा ना एकदम ऐसा घूम रहा, चक्कर टाइप आ रहे हैं। मैं दिवाली दिवाली बच जाए, दिवाली तक मैं बीमार ना पड़ूँ, मैं भगवान जी से प्रेयर करी, मैं दिवाली तक ना पड़ूँ, उसके बाद तो चाहे फिर भी एक दो दो चार दिन बीमार पड़ जाऊँ तब भी कोई बात नहीं। अब इस टाइम बहुत काम है, ऑयल घर का गाड़ी में ही, अभी मैंने मोहित को भेजा ऑयल की जो बॉटल है, जो मैंने घर पे ही बनाया था ना, वही वाला मैं कराती हूँ, वो बहुत अच्छा है। उससे मेरा और कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन बाल बिल्कुल भी एक भी बाल नहीं निकलता, टच वुड नजर न लग जाए। बस अभी एंड लेकर आ रहे हैं तो फिर करा देती हूँ हेड मसाज। मैंने करा ली, अब मुझे बहुत रिलैक्स मिल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा थकान ऐसा हो रहा था, क्योंकि दिवाली दिवाली थकान भी इतनी रहती है, काम बहुत सारे हैं तो थकान हो ही जाती है। अब थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है, वरना मैं आके लेट गई थी, मन नहीं कर रहा था किसी भी काम का, काम बहुत सारे, कैसे करा आप थकान तो मिला दी थोड़ी। तो मैं पहुँच गई घर पर, और अब मेरे को अच्छा लग रहा है। अब आज कुछ नहीं करना, कोई ब्लॉग नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, अब सो जाऊँगी जाकर सीधा, और सुबह जगना, क्योंकि सुबह मेरे को बहुत सारी रील्स बनानी है, बहुत सारा ब्लॉग बनाना है, और काफी सारे गिफ्ट्स लाने हैं, तो कल फिर बहुत सारा काम है, इसलिए आज मैं रेस्ट पे हूँ, सो जाऊंगी। और भाई ब्लॉग पसंद आ रहा है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल दबा दें, तो बेल जैसे ही दबा देंगे तो आप जैसे ही 9 बजे मेरा ब्लॉग स्टार्ट होगा तो आपके पास पहुंच जाएगा कि आ गया ब्लॉग। और दिवाली का त्यौहार है, मतलब इतनी सारे फेस्टिवल हैं, दिवाली है, गोवर्धन है, भैया दौज है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उस पर मैं बेस्ट से बेस्ट कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ मैं करती रहूँ, मार्केट भी जाऊँ और अपने लुक दिखाऊँ रोज पहन पहन के, साड़ी सूट जो भी मैं पहनूँ, और क्या क्या मैं गिफ्ट्स ला रही हूँ। तो आप मतलब खूब देखें, इंजॉय करिए, मतलब मैं पूरी पूरी मेहनत कर रही हूँ। तो कमेंट्स लाइक्स सब्सक्राइब करें, ऊँचाइयों तक लेके जाओ भूमि की दुनिया। थैंक यू।